हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं आज जा रही हूँ एक शादी में, जिसके लिए मैं यहाँ पे अपने कपड़े और ज्वेलरी वगैरह निकाल रही हूँ। बाकी आगे देखते हैं कि क्या पहनूंगी क्या नहीं। अभी मैंने निकाल तो ये लिया है, मतलब नेक पीस की बात कर रही हूँ। साड़ी तो मैं यही वाली पहनने वाली हूँ, शायद आपको याद होगा पहले भी मैंने ये साड़ी पहनी है। ओके गाइस, तो हम सब लोग तैयार हो गए हैं। मैंने पहना है वही साड़ी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पे दोनों बच्चे भी तैयार है, ईरा एंड पियू। हाय पियू। तो अरे अरे, ईरू भी हाय कर रही है, देखो देखो जरा। तो बस चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठो उठो ईरू उठो। तो यहाँ पे हमारा गिफ्ट रखा हुआ है, बाग ले लीजिए ना। चलो उठो, चलो पियू, लेट्स गो। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुजराती शादी में। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम ही गुजराती शादी अटेंड करने जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस समय कितना ज़्यादा ईद की वजह से मार्केट एकदम सजी हुई है। और ये कितने बजे तक चलती है मार्केट? ये 11 बजे तक चलती है। 11 नहीं, फिर भी हाँ 10 बजे तक तो चलती है। 11 बजे तक फुल। अंधेरी वेस्ट की मार्केट है ये, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्राउड भी है और सामान भी बहुत अच्छा अच्छा दिखता है। क्या पीटर इंग्लैंड? तो यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स भी हैं। और इधर ना अंधेरी वेस्ट वाला स्टेशन है, दिखाती हूँ। ये एरिया जो है अंधेरी वेस्ट का स्टेशन है, इधर से हाँ जा रहे हैं। ये तो हमने आपको बताया नहीं, आज हम लोग एक गुजराती फैमिली शादी में जा रहे हैं। इनके फ्रेंड की बेटी की शादी है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं साड़ी वाड़ी पहन के। चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ईरा को भी पकड़ना रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग पहली बार ही गुजराती शादी अटेंड करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसा होता है। एंड रास्ते में यहाँ पे देखिए कितनी सारी डेकोरेशन वगैरह भी थी, तो मैंने पूरा ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करी आपको दिखाने के लिए। अच्छा, आप लोग कौन कौन है जो मेरे मुंबई से सब्सक्राइबर मेरे को देख रहे हैं, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और बस चलो चलते हैं। ईरू तो मेरी गोद में ही है, अभी तो वो सो रही है, लेकिन जैसे ही वो उतरी थी ना, तो फिर उसकी नींद जो है खुल गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लाउड स्पीकर वगैरह चल रहा था, सॉन्ग वगैरह, तो उसकी नींद जो है बाद में खुल गई थी। तो ये देखिए, बस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो बहुत सारा खाने में यहाँ पे वैरायटी था, मतलब काफ़ी सारी ऑप्शन थे। और यहाँ पे पीहू जो है आमरस खा रही थी, उसको आमरस और पूड़ी काफ़ी पसंद है, तो मैंने भी आमरस खाया, बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा। फर्स्ट टाइम ही, मतलब सीज़न का भी फर्स्ट आमरस मैंने यहीं पे ही खाया है। और ईरा बीच में बहुत क्रैंकी हो गई थी, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बच्चे को भी पकड़ना है, साड़ी भी पकड़ना है और खाना भी खाना है, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी देखिए ये बिल्कुल क्रैंकी हो रही है। फिर यहाँ से बस थोड़ी देर रुक करके निकल लिए थे चलने के लिए। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब इतना क्राउड था ना, शायद उसकी वजह से, और लाइट्स वगैरह थी ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर रुके, उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। ओके गाइस, तो हम लोग अब निकल लिए हैं। ईरा को नींद आ रही थी, एक्चुअली ईरा सो गई थी जब हम लोग पहुँचे थे। देखो दिखा, अच्छा दिखाओ। ये है शादी का वेन्यू, अभी तो निकल आए, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ईरा जो है वो सो गई थी जब हम लोग जैसे ही पहुँचे थे, लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचे ना, तो बहुत जोर आवाज़ थी ना, तो ईरा उठ गई थी। और पियू, हाँ, मैं फ्लावर्स लेके आई हूँ मेरे पॉट, फ्लावर पॉट में रखने लगाने के लिए। वाइट रोज फ्लावर लेके आई है पियू, वाइट रोज, येलो तो वो रोज नहीं है बेटू। तो ईरा को नींद आ रही थी, बीच में रोने लगी थी, खाना हम लोगों ने जैसे तैसे खा लिया, अच्छा था खाना, बहुत टेस्टी था। मैंने तो आमरस खाया अच्छे से, दो बोल मैंने आमरस लिया, और मेरा तो और मन हो रहा था खा लो पर पेट भर गया था। और बस अब चलते हैं, 10 बज गए हैं, 10:15 हो रहा है एक्चुअली। ईरा क्या कह रही है? ईरू क्या कह रही है? ईरू अंधेरा हो गया, नहीं दिख रहा है,
हीरू नहीं दिख रही है हाँ? ओ, कुछ तो बोल रही है हीरू, कुछ बोल रही है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ये अभी 10:45 हो रहा है और धूप बहुत ज़ोर से है, गर्मी बहुत है। आज मैं थोड़ी सी सफाई करवा रही हूँ, ये सब कर्टन वगैरह हटवा के इधर साइड का पूरा क्लीनिंग करवा रही हूँ। अभी भारती दीदी आई नहीं है, थोड़ा मैंने डस्टिंग वगैरह करी है आज, कपड़े भी वॉश करे हैं। कल आने के बाद सारे कपड़े यूँ ही उतार के फेंक दिए थे, आने के बाद इधर रो रही थी ना, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था। थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह किया है, सोफ़ा क्लीन किया है डस्टिंग करके, झाड़ करके बराबर से बढ़िया से। ईरा को नहला के सुला दिया है, अभी पीहू को नहलाने के लिए ले गई हूँ वॉशरूम में, वो नहा रही है, उसको अच्छे से नहला देती हूँ सैटरडे संडे में। बाकी के दिनों तो वो खुद ही से नहाती है ना, तो मुझे लगता है कि एक दिन उसको अच्छे से नहला दो, वो किया है। अभी भारती दीदी आई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई है। कल है पीहू का मैथ्स का एग्ज़ाम और फिर है मराठी का, मतलब अब 4-5 दिन बैक टू बैक पेपर है 5 तारीख तक, यही है। और कल की शादी अच्छी थी, बढ़िया एंजॉय किया हम लोगों ने। आने के बाद ना फिर ईरा को पता नहीं बहुत रोने लगती है, फिर उसकी नज़र वगैरह उतारते हैं, फिर वो थोड़ा शांत हो जाती है। ऐसा होता है ना, शायद कुछ लोग कहते हैं कि नज़र वगैरह उतारती रहना चाहिए, तो मैंने भी उतारा है। और ना मेरे काजल लगा हुआ है, ये देखो, अच्छे से मैंने वाइप किया तो था, बट होता है ना जल्दी जल्दी जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। पेड़ों में पानी डाल देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसीलिए। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और मैं आज डिनर में बनाने जा रही हूँ पनीर चमन। ये एक कश्मीरी पनीर की डिश है, मतलब पनीर की सब्जी है, जिसमें कि मैंने यहाँ पे बटर लिया है। बटर में मैंने मेथी को अच्छे से धो करके, मतलब साफ़ करके धो के भून लिया है। और जब मैंने बटर डाला था ना, उसमें ही मैंने थोड़ा सा सौंफ भी डाल दिया था, जिससे इसमें सौंफ का कलर, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये डिश मैंने एक YouTube पे देखी थी, तो वही मैं यहाँ पे आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर इस तरह से आप पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी एंड यम बनती है, आप रेस्टोरेंट भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टी सब्जी बनता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पानी है वो बिल्कुल सूख गया है मेथी में बटर में भूनने के बाद, ये कड़वाती भी बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल थोड़ा सा मेथी हो गया है, मतलब मेथी बिल्कुल नहीं कड़वाती है। और मैंने इसमें क्या लिया है, टमाटर नहीं है इसमें, प्याज है, काजू और बादाम और कुछ खड़े मसाले जो कि मैंने अभी पानी में बॉईल किए थे, उसी को मैं मिक्सर में यहाँ पे पीस लूँगी। हमारा जो ये ग्रेवी है वो तैयार हो जाएगा और इसमें घी तेल भी बहुत कम लगता है। बस अब हमको अपने मसाले को इसी से ही भूनना है। वाइट ग्रेवी की सब्ज़ी है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको लच्छा पराठे या फिर नान के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लच्छा पराठा बनाया था बट रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ईरा भी बीच में रोने लगती है इसीलिए। और यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, एक्चुअली दही में मिक्स करके डालना चाहिए था, दही नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं डाला। आप लोग के पास है तो ज़रूर आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च दही में मिक्स करके डालिएगा। और अब मैं यहाँ पे एक तड़का तैयार कर रही हूँ बटर का ही, वाइट बटर है ये। और वाइट बटर में इसमें हम फिर से अगेन लाल कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। और यहाँ पर देखिए ईरा बैठी है, उसका रैटल गिर गया था, रैटल गिर गया है। ये लीजिए ईरू, ये देखो, ये इधर ही बैठती है हमारे साथ। ये हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैंने निकाला है, थोड़ा सा डालूंगी जिससे कि कलर अच्छा आएगा। इसके ऊपर हमें एक छौंक डालना होगा, मतलब बघारना होगा जिसे बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो है तैयार हो गया है तड़का।
तो पानी डाल के भी मैंने एक यहाँ पे बॉयल लगा लिया था। अब फाइनली मैं यहाँ पे अपने पनीर क्यूब्स जो हैं वो डाल दूँगी। मैंने इसको गर्म पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लिया था सॉफ्ट करने के लिए। और यहाँ हमारा तड़का भी तैयार है, ये देखिए। बस यहाँ पे हमने तड़का डाल दिया है और हमारी सब्जी जो है पनीर चमन तैयार है। तो ये जितनी देखने में सुंदर लग रही है उतना ही इसका खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा था। आप लोग भी ट्राई करिए। देखो मैंने आज क्या बनाया है, उठा के देखो। ये देखो क्या है, ये पनीर है। ये आज आपने देखा था मैंने काजू बादाम की सब्जी बनाई थी, ये पनीर की सब्जी है। पनीर की सब्जी है। अब ये खा के बताइए पियो, ठीक है? आपके हाथ की मैं सब चीज खाती हूँ, बुआ की भी। ओह वेरी गुड। चलो अभी हम लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक है? चलो। ये है, ये पता है कौन सी सब्जी है? ये कश्मीरी पनीर है। अभी आप खा के बताइए। और साथ में है ये पराठा, लच्छा पराठा। और ये बैगन भरता, बैगन भरता नहीं सॉरी भरवा बैगन। साथ में ये है आम की चटनी। तो ये है आज हमारा डिनर। ओके गाइस, तो अब इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग सब्जी ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छी बनती है। मिलती हूँ कल अच्छे से व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।